मेरा भी गला घोटने का प्रयास किया। दिखाएंगे सरकार को कि कैसे चलाया जाता है सिस्टम को, सरकार को कैसे चलाया जाता है। आपका जो कह रहे हैं, आप लोगों को खुद पता है कि मेरे ऊपर क्यों लादा गया था एनएसए। अभी बोला है ना तमिलनाडु का एगो नेता, यूपी बिहार के लोग जो है आते हैं यहाँ पे टॉयलेट, जैसा कि मीडिया दिखाया, हम इस खबर का पुष्टि नहीं करते हैं भाई। वो बोला था तो हम सुने नहीं थे, नहीं तो फिर एनएसए लाद देगा सब, क्या करेंगे हम? डीएनए पे भी सवाल, नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद से जो तेलंगाना का भी नया मुख्यमंत्री बना है तो बोला था कि तेलंगाना डीएनए इज बेटर देन बिहार डीएनए। हाँ बोला था, बोला था ना। हाँ। अंग्रेजी में बोला था कि हिंदी में बोला था? अंग्रेजी, हमको अंग्रेजी आ गया, हम गए ना वहाँ जेलवा में तो अंग्रेजी बोलते बोलते जो है अंग्रेजी ठीक हो गया। इंजीनियरिंग के बाद बोलना भूल गए थे तो फिर अंग्रेजी भी आ गया तो बोला था। अब नाखून का सैंपल नहीं भेजेंगे उसके पास, वो तो पूरे बिहारी को गाली देंगे। मोदी जी तो सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी को बोले थे कि आपका डीएनए क्या ना है क्या ना है, तब आप पार्टी बदल देते हैं, यू कर देते हैं, तो पूरा बिहार से 1.5 करोड़ सैंपल गया था नाखून काट के बाल काट के। अब भेजिए ना 12 करोड़ सैंपल भेजिए उसको कि बोलिए कि बिहार एंड तेलंगाना बोथ डीएनए इज बेटर देन अदर डीएनए, बोल दीजिए। हम किसी का बुरा ही नहीं करेंगे, हम दोनों डीएनए को अच्छा बताएंगे, हम पूरे भारत के डीएनए को अच्छा बताएंगे, हम किसी का बुरा ही नहीं करेंगे। लेकिन उसको बताइए तो सही कि आपका डीएनए भी अच्छा है और हमारा डीएनए भी अच्छा है, हाई मत किसी को बोलने का, नहीं बोलेंगे मुंह पे तो टेप। अच्छा, बहुत सारे लोग जब आप जेल में थे तो ये कह रहे थे कि पत्रकार ऐसा रहे, सरकार से क्यों पंगा ले रहा है, सरकार से पंगा लेगा तो यही होगा ना। अरे आप लोगों ने सुना होगा ना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का नाम, सर पत्रकारे न थे, राष्ट्र धर्म और पंच जन में पत्रकारिता करते थे। उन्होंने लिखा है अपने किताब में कि सरकार के तर्कस में इतना तीर होता है कि जब चाहे वो पत्रकार और पत्रकारिता का गला घोट सकता है। वो किताब मेरे पास है, ये स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट है, जो 3 बार प्रधानमंत्री रहे, 3 बार उनका स्टेटमेंट है। तो उनका जब गला घोटा सरकार तो खुद प्रधानमंत्री बन गए। क्या बात, बन गए कि नहीं? बन गए कि ससु तुम हमारा गला घोटोगे, पत्रकार का गला घोटोगे, हम दिखा देंगे तुमको। जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि अटल जी बहुत संसद भवन में सवाल उठा। एक बार का बात, 13 दिन 13 महीना और 4.5 साल 3 बार बन गए। सरकार ने मेरा भी गला घोटने का प्रयास किया। दिखाएंगे सरकार को कि कैसे चलाया जाता है सिस्टम को, सरकार को कैसे चलाया जाता। आपका जो कह रहे हैं चलाने वाली बात फिर से कहीं ना कहीं उधर मिर्च लग जाएगी। पत्रकारिता से चलाएंगे महाराज, इस पत्रकारिता के ताकत को दिखाएंगे, इस माइक के ताकत को दिखाएंगे, और जहां भी गलत हो इस माइक के ताकत से, इस पत्रकारिता के ताकत से उस गलती को दिखाएंगे, सरकार को झक मार के वो गलती सुधारना। अच्छा एक सवाल है आपसे, कभी भी नहीं देखा गया था एक पत्रकार के लिए जब गाँव आता है और 9 महीने जेल होके जब जेल में रह के गांव आता है तो लोग दिवाली मना रहे थे, कल हर घर में दिया जल रहा था, तो कभी ऐसा आपने देखा है कि किसी नेता के लिए, किसी पत्रकार के लिए जिसपे एनएसए लग चुका है, राष्ट्रद्रोह का केस लग चुका है, उसके लिए इतना भव्य स्वागत? लग चुका था है नहीं लग चुका था। उसको बोला नहीं नहीं भाई गलत है, लग चुका था, कैंसिल करो एनएसए, कैंसिल करो, कैंसिल कर दिया। आप बताइए ना कि लास्ट बार है, आप लोग पढ़े लिखे हैं कि इसमें अनपढ़ भी कुछ लोग हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो बताइए बिहार कौन से बिहारी पे लास्ट बार जो है एनएसए लगा था, बताइए। मनीष कश्यप, अरे उसके पहले बताइए, जाइए नेता से पूछिएगा, नेता से पूछिएगा कि किस पे एनएसए लगा था, ना बिहार का किस जो बम ब्लास्ट किया सब उस पे एनएसए लगा, ना किसी पे एनएसए नहीं लगा, किसी पे एनएसए जो मजदूर के लिए लड़ा उस पे लग गया। बिहार का सबसे बड़ा अपराधी मनीषवा हो गया, जो अपनी नानी का कैंसर का इलाज कराता था पटना एम्स में, जो ना जाने कितने लोगों का आंसू पोंछता था। 9.5 महीना मैं जेल में रहा ना, कहे नहीं कोई सोनू मोनू टोनू हाईलाइट हुआ बिहार में, हम तो गरीब के बच्चा को पकड़ पकड़ के हाईलाइट करते थे, सिखाओ इसका ई है एक्चुअल समस्या, दिखाते थे। और वहाँ पे जो है ना दिल्ली से पत्रकार लोगों को दौड़ा के लाते थे, चलो ये है बिहार का जमीनी हकीकत और इस चीज को, इस मिट्टी को चूमो और यहाँ पे इस समस्या को दिखाओ, ये एयर कंडीशन कमरा में एसी में बैठ के जो समस्या दिखाते हो वो समस्या नहीं है, ये समस्या है कि ये बांध जो है वो सही बना है कि नहीं बना।